मेरे साथ में मेरी गेस्ट भी आज साथ में है, डॉक्टर टिम्पी सेठी भी मेरे साथ में है। बट बिफोर आई इंटरेक्ट विद हर आई विल टॉक अबाउट थायराइड। तो थायराइड की कंडीशन COVID-19 में दुविधा में डालने वाली है। TSH भी कम कर रहा है, T3 भी कम कर रहा है। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, एंड व्हेन आई स्पोक टू डॉक्टर अम्बरीश मित्तल हु इज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, व्हेन आई सॉ द लिटरेचर, वो भी यही बात करता है कि TSH और T3 दोनों कम हो रहे हैं। तो हम लोग नॉर्मली 3 महीने के लिए थायराइड की दवाई की मात्रा कम कर रहे हैं और 3 महीने के बाद में और TSH को हम फॉलो करते हैं। यानी कि जब ये मेरे शरीर में आग लगी है तो थायराइड में भी इन्फ्लेमेशन है। नॉर्मली जब किसी का थायराइड टेस्ट करते हैं तो हम लोग सिर्फ TSH को टेस्ट करते हैं, उसके साथ में नॉर्मल TSH की वैल्यू 5 है। लेकिन हम कैसे याद रखें, 5 वैल्यू को हम रखते हैं 75 साल तक, और 75 के बाद में हम बोलते हैं 7.5 नॉर्मल है, 75 75। यानी कि जिनकी उम्र 75 है उनको हम बोलते हैं 7.5 भी उनके लिए नॉर्मल है। अगर आपका TSH नॉर्मल है तो T4 T3 भी नॉर्मल होंगे। बहुत सारी लेबोरेटरी सिर्फ TSH का टेस्ट करते हैं। अगर आपने लिखा मेरा T3 T4 TSH करो, वो TSH का टेस्ट करके बाकियों को अपने हाथ से नॉर्मल नॉर्मल लिख के दे देते हैं। अगर आपका TSH ज्यादा है तो हम T3 टेस्ट कराते हैं, पैसा बच गया ना। अगर आपने T3 T4 TSH तीनों कराए तो 3 पैसे लगे, सिर्फ TSH कराया तो 1 पैसा लगा, T3 कराया तो 2 पैसे लगे। 90% लोगों में T4 टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक बार TSH कराइए, साथ में T3 करा लीजिए, और उसके बाद में TSH से पूरे पेशेंट का मैनेजमेंट फॉलो अप हो सकता है। आप लोगों ने देखा हमारे को, हमने पूरे COVID-19 में पूरा इलाज सिर्फ CRP से किया। थायराइड का पूरा इलाज सिर्फ TSH से हो सकता है। TSH को ठीक करिए, आपका थायराइड अपने आप कंट्रोल हो जाएगा।